हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे को न्यू वीडियो में। दोस्तों, आजकल इंस्टाग्राम पर ये वाली वीडियो काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, जिसमें कि कोई लड़का इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए है और इसमें दोस्तों उसका नाम लिखा हुआ है, जर्सी का नंबर भी लिखा हुआ है और साथ में दोस्तों सामने ये इंडिया का मैच चला होता है। तो ऐसी वीडियो दोस्तों आप अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं VNF के यूज़ करके, मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कम्प्लीट ट्यूटोरियल इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और ऐसे मेजर कॉन्टेंट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, आपको सबसे पहले जाना है अपने किसी भी ब्राउज़र पर। तो आप अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बिंग AI जनरेटर पर क्लिक कर देना है। ध्यान से देख लेना, बिंग AI जनरेटर सर्च कर लेना। उसके बाद जो पहले नंबर पर वेबसाइट आपको दिख रही है, इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, इस पर सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्राइब व्हाट यू डिड लाइक टू क्रिएट, तो यहाँ पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। और यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है ये, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बारी। मैं आपको यहाँ पर सामने यहाँ पर आपके वीडियो में जो लिखा आ रहा है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यही यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। आप देख लीजिए, 18 इज रियल बॉय सिटिंग इन इज रूम एंड वॉचिंग इंडियन क्रिकेट मैच ऑन TV, द बॉय इज वेयरिंग ए इंडियन क्रिकेट जर्सी विद यूर नेम नेम रिटन ऑन इट एंड जर्सी नंबर इज 18। अब यहाँ पर आपको यूअर नेम लिखा दिख रहा होगा, एक यूअर नेम, इसको तो यहाँ पर आपको सिंपली से यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसको यहाँ से हटा देना यूअर नेम को, और यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ पर राम डाल देता हूँ, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको यूअर नेम लिख हटाकर और डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जर्सी नंबर 18 लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने 18 रख रखा है तो आप 35 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। आप जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर साइनअप मांगेगा, तो आप email ID एंड पासवर्ड डालकर साइनअप कर लेना। तो मैंने पहले से साइनअप कर रखा है, इसीलिए मेरा सिंपली से क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका। आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है। अब जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म होगी आपके इमेज यहां पर बनकर रेडी हो जाएगी। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है, और आप नीचे वाले जो फोटो देखेंगे ये वाली, इसमें आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट दोस्तों ये फोटो बनी है। और राम यहाँ पर लिखा हुआ है, जर्सी नंबर 18 है और सामने दोस्तों टेलीविजन ये देख रहा है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना, तो आपकी जो ये फोटो है ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों एडिटिंग की ओर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली से पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। अब बाकी की एडिटिंग हम फोटो के अंदर जो यहाँ पर LCD है उसके अंदर वीडियो लगाने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा, तो वो दोस्तों हम करेंगे यहाँ पर पिक्सार्ट ऐप के अंदर। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम एडिट के फ़ोटो पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको कि हमें एडिट करना है। तो मैं उस राम वाली फ़ोटो को ले लेता हूँ जो कि मैंने अभी डाउनलोड की थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में एक ब्रश का आइकन दिख रहा होगा, आप देख लीजिए ड्रा का, तो आपको ड्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको इरेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको शेप पर क्लिक करना है। और शेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेक्टेंगल को चूज कर लेना है और नीचे से आपको स्ट्रोक मिलेगा, आपको इसको कर देना है फिल। फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जो लेयर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना और यहाँ से दोस्तों आपको सेकंड वाले लेयर पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सर्कल बना आपको दिख जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर आपको इसको कर देना है कुछ इस प्रकार से, जितने पर आपको LED दिख रही है उतने पर दोस्तों इसको रख देना। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको इसको रख देना है, हाँ, तो ऐसे दोस्तों आप इसको रख देना। बाकी अगर आप जितना टाइम लगाओगे उतना ही दोस्तों ये सही बनेगा। तो मैं कुछ इस प्रकार से मैंने इसको बना लिया है। अब उसके बाद दोस्तों मैं इसको सिंपली से यहाँ पर क्लिक करके डन पर क्लिक करके मैं इसको कर दूँगा सेव। तो सेव करने के लिए मैं सिंपली से इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा, इससे मेरी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं VNF के अंदर। अब VNF को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ अलाव वगैरह मांगेगा आपसे, उसको कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो विराट कोहली का स्टेटस होता है उसको दोस्तों यहाँ पर आपने डाउनलोड कर रखा होगा, तो उसको यहाँ पर सिंपली से ऐड कर लेना। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा था तो मैं उसको सिंपली से यहाँ पर कर लेता हूँ ऐड।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये विराट कोहली का कुछ इस प्रकार का स्टेटस है। तो मैं इसको मैंने डाउनलोड कर रखा था। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाटरमार्क को पीछे से हटा देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो वाले आइकन पर क्लिक करना है, और जो आपकी फ़ोटो आपने बनाई थी उसको दोस्तों यहाँ पर आपको कर लेना है सिलेक्ट। तो मैं सिंपली जो उस वाली फ़ोटो को यहाँ पर ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, राम वाली फ़ोटो यहाँ पर आ गई है। और ऊपर से दोस्तों यहाँ पर ओरिजिनल पर क्लिक करके एक बार इसका फ्रेम रेट यहाँ पर 9:16 कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको जो फ़ोटो है इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फुल कर देना है इसके ऊपर, और नीचे और दोस्तों इस वाले लेयर को एक बार मैं स्कॉन्डो कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे वाली जो ऊपर वाले लेयर है ना, इसको यहाँ पर जितनी भी सेकंड की आप रखना चाहते हैं उतनी की एक बार रख लेना। तो मैं दोस्तों इसको रख रहा हूँ यहाँ पर 15 सेकंड के, दोस्तों मैं इसको रख देता हूँ 20 सेकंड के, दोस्तों मैंने इसको रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे वाले लेयर पर क्लिक करना है, विराट कोहली का जो स्टेटस है उस पर क्लिक करना, और इसको कुछ इस प्रकार से LCD के शेप में यहाँ पर फिट कर देना है इस प्रकार से। एक बार इतना छोटा इसको कर लेना, और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसको रख देना। तो अभी दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी वीडियो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। और अगर आप इसको थोड़ा रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि और भी अच्छा लुक दोस्तों आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा रोटेट करने के बाद। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दोस्तों आपकी यहाँ पर वीडियो लग रही है, बिल्कुल सही तरीके से आपकी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से एक्सपोर्ट वाले आइकन पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आप नहीं चाहते इतनी मेहनत करने और आपसे ये वाली वीडियो नहीं बन रही है दोस्तों, आपको नीचे जो इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है अभी, आप इस पर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर दे दूंगा। लेकिन दोस्तों ये वाली सर्विस पेड होने वाली है, तो दोस्तों कम ही प्राइस में मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे दूंगा, आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपसे बन जाती है तो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो अगर आपको वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो को लेकर। जय हिंद।